ना। बेटा बातें नहीं करूं। चार बेसिस क्या होते हैं? चार होते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, बेकिंग पाउडर, सॉप, ठीक है, तो कॉमन बताए। उसके बाद इनके ये भी एसिड की तरह स्ट्रोंग और वीक बेसिस होते हैं। स्ट्रोंग बेसिस और वीक बेसिस। स्ट्रोंग बेसिस जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेसिस में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? तो बेसिस हैं वो भी स्ट्रोंग और वीक होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, नंबर वन बीटर इन टेस्ट, सोपी एंड स्लिपरी इन नेचर। नंबर थ्री, हाँ बेटा, नीचे नेचर, प्रकृति, मतलब छूने में या तो साबुन की तरह होंगे चिकने या फिर फिसलने वाले, ये नेचर है। ठीक है, नेक्स्ट। बेसेज आर मे सोल्यूबल। बेटा ये मेरी वॉइस गूंज रही है। बेसेज आर मे सोल्यूबल और इनसोल्यूबल इन वॉटर। पानी में घुलनशील भी हो सकते हैं और नहीं भी। बेसिस, हाँ, कोई बात नहीं। स्ट्रोंग बेसिस कैन बर्न स्किन। जो स्ट्रॉन्ग बेसिस है वो एसिड की तरह स्किन को जला सकते हैं। टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी? प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस हो जाएंगी। अब पहले इस बुक में जो यूजेस दे रखे हैं वो बता देती हूँ। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देखो पेट के अंदर एसिडिटी बनती है तो डॉक्टर के पास जाते हो तो वो डाइजिन की टेबलेट्स देता है, बड़ी बड़ी गोलियां देता है, इतनी चूसने वाली, पिंक कलर की या हल्के क्रीम कलर की, या फिर एक वो बोतल देता है जिसका पीने में टेस्ट व्हाइट वाली कोलगेट जैसा आता है, तो उसके अंदर बेस होता है जो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देता है, यानी कि एसिडिटी को खत्म कर देता है, तो वो कहलाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सोडियम, हाँ बेटा, इनो, वो भी बता देते हैं। पहले तो चलो इनो का बताते हैं। पहले इनो पाउच जो आता है उसमें ईस्ट होता है,
और ईस्ट क्या करता है, बॉडी के अंदर जैसे जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, तो वो एसिडिटी वो गैस के रूप में फिर डकारे आने लग जाती है ना, कहते गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, तो तुरंत फिर डकार आती है और वो एसिडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ईस्ट है वो कैसा होता है नेचर के अंदर, बेसिक होता है और एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देता है। क्लियर हो गया इनों का बेटा? ये वैसे तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फंगी, लेकिन वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, जो गैस हमारी बॉडी, ऑक्सीजन तो हम यूज ही कर रहे हैं, अब ज्यादा परेशान हमें कौन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कर रही है, तो वो क्या करेगी, बाहर निकल जाएगी इसके इफेक्ट से। समझ आ गया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एसिडिटी को कम करने के जो लिए जो लिक्विड डॉक्टर आपको देता है डाइजिन की सीसी, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड पेपर बनाने के लिए, NaOH टू मैन्युफैक्चर सो पेपर, ठीक है, टेक्सटाइल कपड़ा, ये सब बनाने में, और डिटर्जेंट, ये बेटा सोप, ये पहले तो माइक ऑफ करो, किसके पीछे से फैन की आवाज आ रही है, गुड़ 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 गुड़। सोप, साबुन, पेपर, टेक्सटाइल कपड़ा बनाने में भी जैसे केमिकल यूज होता है तो उसमें बेस का यूज होगा, और डिटर्जेंट्स, ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये उसका फॉर्मूला है, व्हाइट वॉश नहीं करते हैं, व्हाइट वॉश करते हैं ना भाई आजकल, तो पीओपी पुट्टी करने लग गए, पहले क्या करते थे, कड़ी करना जो बोलते हो, वो कैल्शियम ऑक्साइड, चूने का जो पत्थर होता है उसमें वाटर ऐड करने से वो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है, जो एसिडिटी को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है और साथ में ही व्हाइट वॉश करने में हेल्प करता है। तो ये तो थे कॉमन यूजेस, अब स्पेशल चार पांच यूजेस जो हैं वो मैं अलग से लिखवा देती हूँ, क्योंकि उसमें पूछ रखा है बुक में क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो है, कि कोई तीन बेस बताने हैं आपको, थ्री बेसिस, और उनके दो दो यूजेस बताने हैं। तो थ्री बेसिस में आपने ले लिया जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, ये होगा, दिखाई दे रहा लिखा हुआ, ठीक है, वो अगर इस बुक में एक लेसन होता ना, स्ट्रक्चर ऑफ मेट्रोस से आपको इजी समझ में आता, क्लियर? ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड उस लेसन में दे रखा था, पोटेशियम देखो लिखेंगे तो ये, अरे बोल कौन रहा है, पोटेशियम को लिखते ये है लेकिन इसका सिंबल के होता है, सोडियम को लिखते ऐसे हैं बट इसका जो सिंबल होता है वो Na होता है, तो उस लेसन में दिया गया था
कि जो एलिमेंट्स हैं वो नेचर के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं। जैसे आपके इंग्लिश की डिक्शनरी में अल्फाबेट्स कितने, ओनली 26 ही है ना, ए से जेड तक। मैं कुछ बता रही हूँ, समझ आ रहा है या नहीं? जैसे इंग्लिश में ए टू जेड तक 26 अल्फाबेट्स होते हैं, पर उनसे बहुत सारे वर्ड मीनिंग बन जाते हैं। 26 से बहुत सारे वर्ड मीनिंग बन जाते हैं, कितनी मोटी मोटी डिक्शनरी होती है। ठीक है, तो उसी तरह से जो एलिमेंट्स हैं नेचर के अंदर। हाँ बेटा, हेलो। हाँ बेटा, नेचुरल इंडिकेटर तो नेचुरली होते हैं बेटा। अब चाइना रोज है, उसके फ्लावर की जो पेटल्स हैं उनको हम कैसे बनाएंगे? उसके फूल, गुड़हल का जो फूल हो, पहले ये गुड़हल का जो फूल है उसकी जो पंखुड़ियां हैं उनको पानी में रख डाल लेंगे, तो कुछ टाइम बाद वो उसमें कलर छोड़ देंगी, तो वो इंडिकेटर बन जाएगा। लाइकेन्स हैं, वो भी नेचुरल है, उनको हम कैसे बनाए? तो वो नेचुरली होते, टर्मरिक सीधा सा हल्दी है, उसको तो हम उगाते हैं ना, प्लांट है एक तरह का, तो वो नेचुरली कलर शो करते हैं। लाइकेन्स में लिटमस पेपर बनाया जाता है, वो पतली सी स्ट्रिप होती है इस तरह की, छोटी छोटी लंबी लंबी स्ट्रिप्स होती हैं ऐसे, पतली पतली, एक रेड कलर की और एक ब्लू कलर की। रेड वाली एसिड के अंदर रेड ही रहेगी, लेकिन बेस के अंदर वो क्या हो जाएगी, ब्लू हो जाएगी। ब्लू वाली जैसे आपने दही में डिप कर दी तो वो रेड हो जाएगी, और अगर आपने साबुन के पानी में डिप करी तो वो ब्लू की ब्लू ही रहेगी। यानी कि दोनों मीडियम में वो क्या कर रही है, अलग अलग कलर शो कर रही है ना, वो इंडिकेटर्स हैं। बेसिस पढ़ रहे थे, देखो मैं ये बता रही थी कि ये लिखना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ मैंने Ca लिखा कैल्शियम का है, Mg लिखा मैग्नीशियम का, यहाँ मैंने लिखा के लेकिन बोला क्या है, पोटेशियम। तो इसका सिंबल के क्यों है, मैं वो बता रही हूँ। सोडियम बोला है मैंने, लिखा लिखा मैंने क्या है, एन ए। तो वो चीज क्लियर कर रही हूँ कि जैसे इंग्लिश के अंदर 26 अल्फाबेट्स हैं, उनसे बहुत सारे क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, वैसे ही नेचर के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं, और उनसे बहुत सारे क्या बन गए, आपके मटेरियल्स बन गए। तो सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर हीलियम, इस तरह से 118 है। तो सोडियम है वो 11 नंबर पे, और पोटेशियम है वो 19 नंबर पे। इनका लैटिन में नाम दूसरा है, इसका तो है कैलियम और इसका है नेट्रियम, इनके वहां से लिए हैं ही, इसलिए इसका सिंबल के, ठीक है, और इसका सिंबल एन ए। और भी मिल जाएंगे ऐसे, कुछ और भी हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके नाम एक ही अक्षर से शुरू हो रहे हैं। थोड़ा सा पहले ये बता देती हूँ, जैसे सी से। हाँ हाँ बेटा, H2SO4। अब इसमें ये हाइड्रोजन, ये सल्फर और ये ऑक्सीजन, ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन और क्लोरीन, HNO3, हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर, ये बनेंगे इनके सिंबल। तो उसमें पहले देख,
पहले मैं यही क्लियर करती हूँ आपको, बेस बाद में बताती हूँ, ठीक है? देखो आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं सबको क्या दिया गया है, नेम और फादर नेम क्या है, सेम हो सकते हैं, लेकिन सबको एक रोल नंबर दिया गया है, वो रोल नंबर किसी का भी सेम नहीं है। ऐसे ही नेचर के अंदर 118 एलिमेंट्स मिले हैं, वो ही सिंपल अल्फाबेट की तरह 26 अल्फाबेट ने बहुत सारे वर्ड्स बना दिए। इन 118 एलिमेंट्स ने मिक्स होके बहुत सारे क्या बना दिए, कंपाउंड बना दिए। तो पहले मैं इसमें कुछ लिख के दिखा देती हूँ आपको। सबसे ज्यादा यूनिवर्स के अंदर ब्रह्मांड में जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है। सेकंड, इसका जो सिंबल है वो कैपिटल एच है। सेकंड हीलियम, अब दोनों एच से स्टार्ट हो रहे हैं तो इसका अगला वर्ड दे दिया इसको एच ई, इसका सिंबल है। नंबर थ्री लिथियम, इसका सिंबल एल आई। बेरिलियम, इसका सिंबल बी ई। फिफ्थ पे है बोरोन, इसका सिंबल बी। सिक्स्थ पे कार्बन, इसका सिंबल सी। सेवंथ नाइट्रोजन, इसका सिंबल एन। एट ऑक्सीजन, हाँ बेटा, इसका सिंबल ओ। नाइन, तुम अपने उसके लिए किसी कॉपी में लिख लो, बुक पे लिख लो, कॉपी में, क्योंकि जैसे अब मैं फॉर्मूले लिखती हूँ तो आपको दिक्कत होती है किसका फॉर्मूला ये क्यों बना, इसका फॉर्मूला ये क्यों बना। नाइन पे फ्लोरीन, इसका सिंबल एफ। टेन पे नियोन, इसका एन ई। इलेवन पे सोडियम, इसका सिंबल है एन ए। 12 पे मैग्नीशियम, इसका सिंबल एम जी। 13 एल्यूमिनियम, इसका सिंबल ए कैपिटल और एल छोटा। एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, SI, फॉस्फोरस, पी, सल्फर कैपिटल S, सेवनटीन पे है क्लोरीन Cl, 18 पे आर्गन Ag, 19 पे पोटेशियम, इसका सिंबल K, ठीक है, और 20 पे कैल्शियम। इतने ही बहुत है, 118 में से मैंने ये आपको 20 बता दिए, इसका सिंबल सी ए। हाँ बेटा देखो, हाँ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है वैसे? ये 20 बहुत है आपको, इतने बहुत है। आयरन का जैसे है,
आयरन लिखा तो ऐसे जाता है IRON, उसका सिंबल है सी, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगी, सोडियम का Na, पोटेशियम का K, ये क्यों लिए और कुछ एक के हमने अलग क्यों लिए हैं, तो ये मैं बता देती हूँ आपको। हो गया स्क्रीनशॉट, हो गया, रब कर दूँ? चलो हाँ बेटा, बेटा इनको वही तो मैं कह रही हूँ, जैसे आपको क्लास में रोल नंबर दिए हैं सबके, इको और यहाँ बेटा, हेलो अब आ रही है? चलो देखो, जिनके सिंगल कुछ एक के, जैसे हाइड्रोजन को H दिया, हीलियम को उसका नेक्स्ट दे दिया HE, ठीक है। कुछ एक जैसे बहुत सारे एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, कार्बन, कैल्शियम, क्लोरीन, और अगर आप लो कोबाल्ट, ठीक है। तो इन सबके एक ही अल्फाबेट से शुरू हो रहे हैं ना, सी से, तो इनको अलग अलग सिंबल दिए हैं। इसका कार्बन, इसका अगला इनिशियल वर्ड ले लिया CA, क्लोरीन में एक इसमें क्रोमियम भी है, ठीक है। तो क्लोरीन में Cl, कोबाल्ट में CO, क्रोमियम CR, और कॉपर CU, ये इनके अलग अलग, ताकि इनकी अलग से पहचान रहे। जैसे क्लास में बच्चों को नाम सेम है पर रोल नंबर तो सेम नहीं है, तो कॉपर C किसको रिप्रेजेंट करेगा? कार्बन को, CA कैल्शियम को, Cl क्लोरीन को, CO कोबाल्ट को। अब देखो कोबाल्ट में भी CO है और कॉपर में भी CO है, लेकिन सिंबल दोनों के अलग डाले, इसमें CO डाल दिया, क्रोमियम में CR, कॉपर में CU, इसलिए दिया है क्योंकि इसका लैटिन नेम क्यूप्रम है, तो वहां से ले लिया CU। कॉपर का जो सिंबल है वो क्या हो जाएगा? CU हो जाएगा। ऐसे ही मैंने पोटेशियम का लिखा, उसका लैटिन जो नेम है वो कैलियम है, तो वहां से ले लिया के। सोडियम, इसका सिंबल लैटिन नेम है नेट्रियम, जो लिया है सिंबल उसका Na। और एक आयरन, आयरन का लैटिन नेम है फेरम, तो इसका Fe, ये सिंबल हो जाएंगे। सिंबल होने के बाद फॉर्मूला बनाना पहले सीखेंगे हम, उससे पहले इनमें वैलेंसी होती है, जितने एटम्स यूज कर रहे हैं मोनो एटमिक है डायएटमिक है। जैसे कहीं आपने देखा हो ऑक्सीजन बोला जाता है ऐसे, और लेकिन लिखा जाता है ऐसे O2, नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2, ये सब क्या कर रहे हैं? उसके फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बेस में मैंने सारों में क्या लिखा है, ये एक ग्रुप है कैल्शियम, ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप, उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एसिड वो होते हैं जो वाटर में डिजोल्व करने पे H रिलीज करते हैं, और बेस वो होते हैं रिलीज करते हैं। वाटर का फॉर्मूला मैंने आपको क्लास में बताया था, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो
तो वो चीजें निकल रही हैं उस टेबल के अंदर से, क्योंकि वहां सिंबल डाल रखे हैं। और फिर उनकी एटॉमिसिटी थोड़ा सा बताऊंगी। जैसे फॉर्मूला बनाने के लिए पहले तो उनके सिंबल लिखे जाते हैं। जैसे आपको मैग्नीशियम का लिखना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखना है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 और हाइड्रोक्साइड की होती है 1। इसको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं ऐसे, इसकी वैलेंसी 1 और इसकी वैलेंसी 1, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, NaOH। ये फॉर्मूला बनाने का तरीका है। यहां तक क्लियर हो गया? अब वापस से बेस पे आ जाते हैं। यूजेस पढ़ रहे थे बेसिस के, सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बात है, आवाज नहीं आ रही क्या? पता नहीं, सब शांत हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये मैंने उसका फॉर्मूला भी लिख दिया है साथ में। इसके यूजेस पढ़ते हैं। एज ए सीमेंट सब्स्टिट्यूट, फॉर सीमेंट, इन लो कॉस्ट देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के यूज देखो, एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर सीमेंट। सीमेंट हमें पता है महंगी है, तो उसका एक सहयोगी है जो हल्की प्राइस का होता है, कम प्राइस में कंस्ट्रक्शन का वर्क करने के लिए। पहले चूना यूज करते थे, कड़ी जो होती है उसको पहले भिगोते थे, फिर उसमें बजरी मिक्स करके फिर बनाया जाता था। आजकल उसका यूज कम होता है। फॉर व्हाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग में सफेदी करने के लिए। कोई भी जैसे पेंट करते थे तो पहले सफेदी करते थे उसमें घोल के वो। और मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर एक पाउडर है जो पानी में मिक्स किया जाता था पहले। पीने का जो पानी होता था ना, उसमें मिक्स किया जाता था कि उसमें जो जर्म्स वगैरह वो मर जाए। ठीक है, तो ये तो यूजेज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, यूजेज ऑफ हाइड्रोक्साइड के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड। यूजेज ऑफ यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ NaOH साथ में। टू मैन्युफैक्चर सोप, नंबर टू मैन्युफैक्चर
पेपर, रेयून, टेक्सटाइल, और मेडिसिन, ये सब बनाने में यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यूजेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला इसका लिखती हूँ। NH4OH to manufacture fertilizers, to manufacture नायलॉन, प्लास्टिक, डाइज एटसेट्रा एज इंक रिमूवर्स। टू रिमूव इंक स्पॉट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस फर्टिलाइजर्स, खाद बनाने में, नाइलॉन, प्लास्टिक और डाइज, कपड़ों में जो कलर करते हैं ना वो डाई भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बनाई जाती है, और इसके साथ साथ कपड़ों पे इंक गिर जाती है तो उसको रिमूव करने के लिए जो रिमूवर यूज किया जाता है वो भी किससे बनाया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बनाया जाता है। तो ये क्या हो गए, यूजेज ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारे पेट के अंदर पाया जाता है, दूसरे जो बेस हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक एंट एसिड के रूप में यूज किया जाता है जो कि एसिडिटी को कम करता है, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर कहते हैं, वो जो फूड मटेरियल्स हैं उनमें यूज किया जाता है। तो ये यूजेज ऑफ बेसिस हो जाएंगे। नेक्स्ट, इसके साथ हम इंडिकेटर्स पढ़ रहे थे, थोड़ा तो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था। इंडिकेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो डिफरेंट कलर के अंदर, डिफरेंट मीडियम के अंदर डिफरेंट कलर शो करते हैं, वो कहलाते हैं इंडिकेटर्स। जो एसिड में अलग कलर शो करते हैं, बेसिस में अलग कलर, और न्यूट्रल जो सब्सटेंस होते हैं उनमें अलग कलर शो करते हैं। हाँ बेटा, इंडिकेटर्स में वॉइस गूंज रही है। इंडिकेटर्स बेटा, जैसे इंडिकेटर्स जैसे बिजली के बोर्ड में नहीं होता रेड कलर की वो बत्ती बार बार ऐसे ऐसे जलती हुई दिखाई देती है, सूचक, यानी कि ये मटेरियल इस तरह का है और ये मटेरियल इस तरह का, तो वो इंडिकेट करता है। अलग अलग मटेरियल के अंदर वो अलग अलग कलर शो करते हैं, वो इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे एसिड में वो अलग कलर शो करेंगे, बेसिस के अंदर अलग कलर शो करेंगे। लिटमस पेपर जैसे मैं बता रही हूं आपको, अगर कोई भी एसिडिक मीडियम है तो रेड वाला लिटमस पेपर तो रेड ही रहेगा, लेकिन ब्लू वाले का कलर रेड हो जाता है। जैसे आपने दही में रखा उसको, तो दही में ब्लू वाले का कलर रेड हो जाएगा। क्लियर?
तो वो होते हैं इंडिकेटर। या फिर साबुन के पानी में आपने डाला लिटमस पेपर, तो ब्लू वाला ब्लू ही रहेगा, रेड वाला कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। वो इंडिकेटर्स हैं। ये कल पढ़ लेंगे फिर से मंडे को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। क्लास लीव करना प्लीज फटाफट, पहले एंड करना और बाय बेटा, उसके बाद लीव करना। बाय। जिया सभी लाइक करो बेटा, हाथ से बाय बेटा। छवि लाइक करो बेटा क्लास। हर्षित छवि